सो ऑलराइट गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, अभी आप लोग जो है स्क्रीन पे एक इस तरीके की स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, डबल एक्स फ्लोरजर वाली। तो यहाँ पे ये इस तरीके की वीडियो जो है, अगर जो ट्रेंड है वो स्नेक ऐप पर बहुत ज़्यादा चल रहा है और काफ़ी लोग जो है इस तरीके की स्टेटस वीडियो बना के स्नेक ऐप पर अपलोड कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग जो है यहाँ पे इस तरीके की जो है डबल एक्स फ्लोरजर वाली वीडियो देख रहे हैं, तो उनके माइंड में ये बात आ रही है कि यार ये जो है वीडियो वो किस तरीके से बनाई जाएगी। तो मैं आप लोग को वही सिखाने के लिए आया हूँ और वही बताने के लिए आया हूँ कि आप लोग जो है ये जो वीडियो देख रहे हैं डबल एक्सप्लोजर वाली, ये वीडियो किस तरीके से बनाई गई है और आप लोग इस तरीके की वीडियो अपनी खुद की कैसे बना सकते हैं, अपना फोटो लगा के या किसी का भी फोटो लगा के। तो फ्रेंड, अगर आप लोग इस तरीके की डबल एक्सप्लोजर वाली वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ इसी तरीके की डबल एक्सप्लोजर वाली वीडियो बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे मिस्टर सोनू टेक्निकल चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज। फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग को इस तरीके की जो है यहाँ पे आप लोग को डबल एक्सप्लोजर वाली वीडियो बनाने के लिए आप लोग को प्ले स्टोर पे आना होगा और ये जो फोको वीडियो एप्लीकेशन, इसको आप लोग को सर्च करके आप लोग को डाउनलोड कर लेना होगा। और इस एप्लीकेशन की लिंक भी आप लोग को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद इस एप्लीकेशन को आप लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से लोड होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे शुरुआत में कुछ परमिशन आएंगे, वो आप लोगों को जो है बेझिझक होकर परमिशन यहाँ पे दे देना होगा। परमिशन देने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ये एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को ऊपर साइड में ऑप्शन मिलते हैं, फॉर यू, हॉट, स्लोमो, इस तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी जो टैंपलेट्स हैं वो आ जाती हैं यहाँ पे। अब आप लोगों को जो भी टैंपलेट पसंद आती है उन टैंपलेट में आप लोग अपनी वीडियो बना सकते हैं। लेकिन अभी जो बात आ रही है, जो है यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे जो स्नेक ऐप पर, वो है डबल एक्सप्लोजर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डबल एक्सप्लोजर वाला जो यहाँ पे ट्रेंड है वो ये रहा। तो ये टैंपलेट है, आप लोग इस टैंपलेट को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये जो है थोड़ी सी जो है थोड़ा सा वेट करना होगा और यहाँ पे ये जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एडिट वाला ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और ये जो ऐड आती है तो इस ऐड को आप लोगों को यहाँ पे कट कर देना होगा। ठीक है, ये ऐड आ रही है, इसको कट करना होगा। कट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फोटेज है, मतलब यहाँ पे इस तरीके का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है फोटोज़ को ऐड करना होगा। ये जो है आप लोगों को प्लस का आइकन मिलता है, यहाँ पे आप लोग जो फर्स्ट लेयर पे क्लिक करेंगे प्लस का आइकन मिलता है, यहाँ क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप लोग जो भी फोटो ऐड करना चाहते हैं वो फोटो यहाँ पे आप लोग ऐड कर लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट मैं अपनी ये वाली फोटो ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग को मैं दिखाता हूँ, एक ये वाली मैं फोटो ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद राइट पे क्लिक करूँगा और सेकंड लेयर पे मैं क्लिक करूँगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा और ये वाली फोटो ऐड करूँगा। इसके बाद राइट पे क्लिक करूँगा, राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे थर्ड लेयर पे और प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा, ये वाली मैं लेयर मतलब फोटो ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद फिर से मैं क्लिक करूँगा और फोर्थ लेयर पे क्लिक करूँगा और अपना कोई और भी फोटो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो एग्जाम्पल मतलब मैं यही वाला फोटो ऐड कर लेता हूँ और राइट पे मैं क्लिक करता हूँ। राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये हमारी जो है यहाँ पे फोटो ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे म्यूजिक वाला ऑप्शन आता है तो यहाँ से आप लोग म्यूजिक जो है मिल जाते हैं, तो इन म्यूजिक को आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और रिप्लेस ऐड म्यूट, ये म्यूजिक है वो आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैं यहाँ पे अभी कोई म्यूजिक ऐड नहीं करूँगा, वो आप लोग करना चाहते तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग को ये जो है कॉन्टेंट पर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद प्रीव्यू पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये वीडियो हमारी जो है थोड़ा सा प्रीव्यू के लिए रेडी होगी। 100% तक आप लोग को यहाँ पे वेट कर लेना होगा। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके की हमारी वीडियो एकदम रेडी हो जाएगी, बहुत ही कमाल तरीके की, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रही है, ये फोको वीडियो का जो वाटरमार्क है वो यहाँ पे आ रहा है, जो मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस पर भी एक वीडियो बनाई है कि फोको वीडियो ऐप में जो भी आप लोग वीडियो एडिट करेंगे उसका जो वाटरमार्क है उसे आप लोग किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो उस वीडियो को अगर आप लोग को देखना है तो उस वाली वीडियो की लिंक मिल जाएगी आप लोग को इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि फोको वीडियो ऐप में कोई भी वीडियो एड करते हैं तो उसका वाटरमार्क आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये वीडियो आप लोगों ने प्रीव्यू देख लिया, इस तरीके की हमारी वीडियो बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो को अपनी गैलरी में जो है सेव करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीडियो हमारी 100% कंप्लीट होने के बाद ये हमारी जाके गैलरी में सेव हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं इसको जो है फिलहाल नहीं करूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूँ। दोस्तों, इस तरीके से आप लोग फोको वीडियो एप्लीकेशन का यूज़ करके आप लोग इस तरीके से जो है स्नेक ऐप पर जो है यहाँ पे डबल एक्सप्लोजर वाले वीडियो का जो ट्रेंड चल रहा है कि आप लोग वीडियो बना सकते हैं इस फोको वीडियो एप्लीकेशन की
मदद से। तो दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और यहाँ पे आप लोग पता चल चुका होगा कि आप लोग जो यहाँ पे जो है डबल एक्सप्लोजर वाली जो वीडियो कैसे बना सकते हैं, जो यहाँ पे स्नेक ऐप पर ट्रेंड चल रहा था। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो जरूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उसे जरूर से प्रेस कर लेना, जो कि मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आप लोगों को मिल जाए। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।